देखिए, चाहत नहीं बड़ी होती तो 80-82 सीट हमारी निकल कर ही नहीं आती। मेरठ के लोगों ने दम दिखाया तो आज हम लोग इतने आ गए हैं। हम लोग किसी की भी बी टीम नहीं है। हम बी टीम होते तो हम लोग जाकर उनके पाले में बैठते, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं है। 2024 में बहुत उम्मीदें हैं। हम लोग को लग रहा है कि 2024 में हमारी काफी सीटें निकल कर आ सकती। जो हमारे यहाँ के पुराने जो जिलाध्यक्ष थे, वो पुराने जिलाध्यक्ष ने अब एक ऐसा ग्रुप बनाया है जिसमें कि ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ पार्टी की मुखालिफत कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों को तो हटाया जाना जरूरी था। पार्टी CA NRC का मुद्दा रहा हो, हमारे 3 तलाक का मुद्दा रहा हो, नासिर जुनैद की हत्या का मुद्दा रहा हो, हर चीज़ पर वो बोल रहे हैं। जी, ये बहुत गलत है, बहुत गलत बात ये लोग कह रहे हैं कि उन्हें टिकट पैसा लेकर मिला है। ये लोग वही लोग हैं जिन्हें इस बार कुछ खाने के लिए नहीं मिला है। अभी जो एक साहब बोल रहे थे, उन्होंने खुद से बताया कि वो सबसे गरीब कैंडिडेट थे जबकि उनको टिकट दिया गया। अपनी पार्टी को हर मुसलमान और या हिंदू सारे एक हो गए, इकट्ठा हो गए बनेंगे। लोग महिला हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के, जो पार्टी को आप लोग इतना मजबूती दिखा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप लोग? जी, मजबूती दिखाना ज़रूरी भी है क्योंकि हमारी कौम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आज सिर्फ हमारी कौम के लिए नहीं, सब लोगों के लिए ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जो मोदी जी जितना कर रहे हैं वो सबको दिखाई दे रहा है। कितनी महंगाई बढ़ रही है, कितना हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए नहीं हो पा रहा है, कितना रोज़गार में कमी आ गई है, तो सभी को दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है असदुद्दीन ओवैसी का साथ देना हमें ज़रूरी है। वो हमारे हक के लिए बोल रहे हैं, हमारे लिए बोल रहे हैं। जहाँ पर भी आप देख लीजिए, जिस भी चीज़ के लिए हो रहा है वो हमारे लिए बोल रहे हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि वो हर मुद्दे पर बोलते हैं। CA NRC का मुद्दा रहा हो, हमारे 3 तलाक का मुद्दा रहा हो, नासिर जुनैद की हत्या का मुद्दा रहा हो, हर चीज़ पर वो बोल रहे हैं। बोल कर क्यों नहीं होगा, ज़मीन पर ही उतर कर बोल रहे हैं। और आप लोगों ने देखा है मेरठ में हमारे कितने प्रत्याशी भी जीत कर आए हैं, AIM पार्टी से कितने प्रत्याशी जीते हैं। अभी गाज़ियाबाद में लोगों का इकट्ठा होना अभी ज़रूरी है, अभी लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे। उन्हें अभी हमारी पार्टी का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, उन्हें लग रहा है कि हम लोग सिर्फ ऐसे ही बात कर रहे हैं। लेकिन जब उन लोग को बात समझ में आएगी तब तक शायद देर हो चुकी हो, लेकिन हम सब इकट्ठे हो जाएंगे। और मुझे लगता है जब हम इकट्ठे होंगे तो असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे ज़मीनी स्तर पर भी नज़र आएंगे। अब लोग तो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भी तो लोगों को तोड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। कहीं नहीं बांट रहे, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है कि वो बांट रहे हैं। कहाँ पर बांट रहे हैं आप बता दीजिए, कोई एक ऐसा मुद्दा बता दीजिए जहाँ पर उन्होंने बांटा है। उन्होंने हर एक को इकट्ठा किया है। जुनैद की हत्या होती है तो वो बोलते हैं सिर्फ मुसलमानों के मुद्दे पे उलझाते, मुसलमानों के मुद्दे पर इसलिए उलझाते हैं क्योंकि उन्हें जहाँ पर दिखाई देता है कि उसी जगह पर दूसरे इंसान को उनसे ज़्यादा जब अहमियत दी जाएगी तो वो क्या करेंगे। वहीं पर अगर किसी और का मुद्दा होता तो शायद किसी, अगर हम ऐसा नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर हम यही कहें कि अगर किसी हिंदू का ही मुद्दा होता तो फटाफट बात कर ली जाती, तो क्या करेंगे फिर? ओवैसी साहब को तो बोलना पड़ेगा ना, वो तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। जब उन्हें लगता है कि उनके लिए कोई नहीं बोल रहा तो सबके लिए वही बोल रहे हैं। मुसलमानों के वोट से तो नहीं जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसके लिए नहीं कह रहे, हम तो यही बोल रहे हैं कि वो सिर्फ उसी जगह बोलते हैं जहाँ पर दलितों का शोषण किया जा रहा है, सिर्फ दलितों का। तो वो क्या करें, वो तो बोलेंगे ही ना। अब अगर किसी जगह पर हमें लग रहा है कि किसी जगह किसी एक विशेष समुदाय के लिए कोई बोल रहा है और किसी के लिए नहीं बोल रहा है, तो किसी को तो बोलना पड़ेगा। ओवैसी साहब उसी के लिए बोलते हैं और लोगों को लगता है कि वो सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो MIM में ही अंदर खाने में लड़ाई हो रही है, विरोधियाँ जो है आपके सामने खड़े हैं। बिल्कुल, ये विरोधी वही हैं जो कि जिनको कि इस बार कुछ मिला नहीं। हाँ। ये वही विरोधी हैं जिन्हें कि इस बार उनके खाने के लिए कुछ मिला नहीं, तो उन्हें लग रहा है वो कैसे इन लोगों को हटाएं और वो लोग अपना काम चलाएं। पिछले बार जितने भी लोग थे जो कि पैसा खाने वाले थे, इस बार उन लोगों को कुछ मिला ही नहीं। हमारे आरोप है MIM ने पैसा लेकर टिकट, किसी को भी पैसा लेकर टिकट नहीं दिया गया इस बार, सब लोगों को बिना पैसे के टिकट दिया गया है। जो अगर थोड़ा बहुत तो पार्टी के फंड के लिए जाता ही है, उसको अगर वो लोग पैसा मांगना कहते हैं तो ये गलत है। तो पार्टी फंड के लिए तो पैसा जाएगा ही, अब जो थोड़ा बहुत जिन्होंने दे दिया उन लोगों को अगर टिकट मिल गई है, और बाकी लोग जिनको नहीं हुआ है, अब देखिए 10-10 कैंडिडेट खड़े होते हैं। बीजेपी से भी कितने कैंडिडेट्स खड़े थे इस बार, सिर्फ एक सीट पर कितने सारे कैंडिडेट थे, उनमें से सिर्फ एक ही कैंडिडेट को तो मिलेगा ना टिकट, सबको तो नहीं मिल जाएगा। लेकिन बाकी लोग अगर विरोध में खड़े हो जाते, बाकी लोग अगर विरोध में खड़े हो जाते तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की यहाँ से मेयर सीट निकल पाती। क्या कहेंगे उन लोगों को जो लोग कह रहे हैं कि MIM ने टिकट देके पैसा देके टिकट दिया? जी, ये बहुत गलत है,
बहुत गलत बात ये लोग कह रहे हैं कि उन्हें टिकट पैसा लेकर मिला है। ये लोग वही लोग हैं जिन्हें इस बार कुछ खाने के लिए नहीं मिला है। मनमोहन झा घामा जी हों, हमारे जिलाध्यक्ष हों, वो लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना पैसे लिए हुए टिकट दिया है। हम लोग खुद अभी जो एक साहब बोल रहे थे यहाँ, सोलंकी साहब, उन्होंने खुद से बताया कि वो सबसे गरीब कैंडिडेट थे जबकि उनको टिकट दिया गया। गरीब कैंडिडेट को अगर कोई टिकट दिया जा सकता है तो फिर इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर किसी अगर गरीब कैंडिडेट को भी अगर ये लोग टिकट दे सकते हैं तो फिर किसी के बोलने की हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए। कह रहे हैं ना कि अपने में तो मुत्तहिद ही नहीं हो पा रहे, खुद ही लड़ रहे हैं। ये तो सब में होता है। अब तो जब से सरकार बनी है लड़ाई के अलावा कुछ रह ही ना गया है। इस सरकार को हटा के नई सरकार बननी चाहिए। सरकार तो चलिए ठीक है बना लेंगे, लेकिन आप अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे? अपनी पार्टी को हर मुसलमान और या हिंदू सारे एक हो के इकट्ठा हो के बनेंगे। जब एकता बनेगी जब ही तो होएगा। हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा इसके लिए। हम लोग को एक एक करके एक एक को समझाना पड़ेगा। अब ये ठीक है, कोई एक जो हमारे यहाँ के पुराने जो जिलाध्यक्ष थे, वो पुराने जिलाध्यक्ष ने अब एक ऐसा ग्रुप बनाया है जिसमें कि ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ पार्टी की मुखालिफत कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों को तो हटाया जाना जरूरी था पार्टी से, निकाल दिया गया। बिल्कुल निकाल दिया गया है, बिल्कुल निकाल दिया गया ऐसे लोगों को। वही लोग ऐसे ग्रुप्स बना रहे हैं, तो ऐसे लोगों को तो हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो लोग अपनी पार्टी के अंदर अपनी पकड़ दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए हमारी कितनी पकड़ है। हमें निष्कासित करने के बाद भी हम लोग बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बोलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। लोग कह रहे हैं कि इस बार आपने तकरीबन 80-82 सीट जीत कर लाए हैं, इससे लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब में चाहत बढ़ी है, इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, चाहत नहीं बड़ी होती तो 80-82 सीट हमारी निकल कर ही नहीं आती। मेरठ के लोगों ने दम दिखाया तो आज हम लोग इतने आ गए हैं। कल को गाज़ियाबाद के लोग भी दम दिखाएंगे तो हो सकता है इससे भी ज़्यादा हम लोग आ पाएँ। तो हो सकता है, नहीं होगा ही, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। गाज़ियाबाद में भी अगली बार हमारी पार्टी पूरी बहुमत के साथ में आई। लेकिन लोग कह रहे बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। बीजेपी का फायदा पहुंचाने वाले लोग तो कहेंगे ही, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हम लोग किसी की भी बी टीम नहीं है। हम बी टीम होते तो हम लोग जाकर उनके पाले में बैठते, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं है। हम लोग अपनी जगह पर अलग से खड़े हुए हैं, अपना पार्टी का वजूद दिखा रहे हैं हम, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 2024 में क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश से खासकर? 2024 में बहुत उम्मीदें हैं। हम लोग को लग रहा है कि 2024 में हमारी काफ़ी सीटें निकल कर आ सकती हैं।